हेलो एंड वेलकम टू हार्टिका नर्स। हार्टिका नर्स के टेस्टी कॉर्नर में आप सबका स्वागत है। ड्राई फ्रूट्स, तिल, कोकोनट का चूरन और गुड़ मिलाकर एक सुंदर सा मिक्सर बनाएंगे, जो कि इम्यूनिटी बूस्टर भी है और सर्दियों में खास खाई जाती है। इसके लिए मैंने यहाँ पर हाफ कप सफ़ेद तिल लिया है। उसे ड्राई रोस्ट करेंगे। हमेशा ड्राई रोस्ट करते हुए आपको ध्यान रखना है कि सिम पर ही इसे लगातार चलाते हुए ड्राई रोस्ट करना ना है। तिल को 4 से 5 मिनट लगेंगे रोस्ट होने के लिए और थोड़ा सा गोल्डन कलर आ जाएगा और तिल चटकने लगेगा। बस इसे एक प्लेट पर निकाल दीजिए और ठंडा होने दीजिए। अब हम ड्राई कोकोनट ले लेंगे, नारियल का चूरा जो होता है, इसे भी हमें हाफ कप ही लेना है और सिम पर ही इसे ड्राई रोस्ट करना है। ध्यान रखिए ये बहुत जल्दी रोस्ट हो जाता है, तो आप इसे कंटिन्यूअसली चलाते रहिए। तुरंत ही गोल्डन कलर हो जाएगा। अच्छी खुशबू आने लगे और कलर चेंज हो जाए तो बस इसे भी निकाल कर प्लेट पर हमें ठंडा कर लेना है। लगातार चलाते रहना है और देखिए तुरंत ही इसका कलर चेंज हो जाएगा। अब उसी कढ़ाई में हमें ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करने हैं। मैंने यहाँ पर सब ड्राई फ्रूट मिलाकर 1 कप ले लिया है। काजू, थोड़े से बादाम, आलमंड, 2 तरह के किशमिश मैंने ले लिए हैं। आप यहाँ पर वालनट, पिस्ता मिक्स कर सकते हैं। आप अपने पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। इसे भी सिम पर ही हमें ड्राई रोस्ट करना है और थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए तो निकाल कर ठंडा करना है। उसी कढ़ाई में मैंने हाफ कप गुड़ लिया है और इसे हमें गरम करना है विथ 2 टेबलस्पून ऑफ शुगर। जी हाँ, गुड़ के साथ थोड़ा सा हम शुगर मिक्स करेंगे, क्योंकि यहाँ हम इसे एक मिक्सर की तरह यूज कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं थोड़ा सा कड़क बना रहे, हर एक चीज पर कोटिंग बने। गुड़ से अगर हम बनाएंगे खाली गुड़ से, तो फिर कुछ देर के बाद वो पानी पानी जैसा हो जाएगा, पर अगर गुड़ और चीनी मिलाकर हम यूज करेंगे तो वो अच्छे से मिक्सर की तरह बनकर रहेगा। यहाँ पर मैंने 3 टेबलस्पून पानी ले लिया है। गुड़ को पिघलने देंगे। हाई हीट पर हमें इसे गर्म करना है और जैसे ही एक उबाल आ जाए सिम पर बिठाकर हमें इसे गाढ़ा करना है। ध्यान रखिए चाशनी जलने ना पाए, आपको सिम पर ही रखना है और बीच बीच में चलाते रहना है। चाशनी 5 से 6 मिनट के बाद अच्छी तरह से पक जाएगी। इसी बीच आपको एक बाउल में थोड़ा सा पानी लेकर तैयार रखना है, ताकि हम चाशनी को चेक कर सकें।
चाशनी के गाढ़ापन को चेक करना है। सही कंसिस्टेंसी में ही हमें इसे बंद करना है। एक या दो बार चेक करके ही आपको सही चाशनी का पता चल जाएगा और पकाना है या नहीं आपको पता चल जाएगा। मैंने यहाँ पर एक बाउल में नॉर्मल वाटर लिया है। अब इसे छू कर देखने से पता चल जाएगा कि हमें इसे और पकाना है या नहीं। हमें इसे कैंडी की तरह कड़क नहीं बनाना है। देखिए, हाथ में लेते ही ये पिघलने लगता है, गिरने लगता है। इसी टाइम पे हमें इसे आंच से उतारना है। इससे ज़्यादा अगर पकाएंगे तो वो लड्डू बांधने जैसा कंसिस्टेंसी आ जाएगा। तो गरम गरम चाशनी में हमें ठंडा किया हुआ ड्राई रोस्ट सारे चीज़ें मिक्स करनी है और इसे मिलाते रहना है जब तक कि कढ़ाई में ही चाशनी ठंडा ना हो जाए। अगर इसे छोड़ देंगे तो अच्छे से हर एक चीज पर कोटिंग नहीं आएगा और फिर एक जगह जमा होके रह जाएगा। इसलिए इसे चलाते रहना है कम से कम 5 मिनट तक, ताकि ये पूरा ठंडा हो जाए। कढ़ाई में ही ठंडा होना है। उसके बाद हम इसे प्लेट में डालकर फैलाकर ठंडा कर सकते हैं और फिर हम इसे खूब अच्छे से ठंडा करके किसी जार में रख सकते हैं। ठंडे मौसम के लिए अच्छा सा एक इम्यून बूस्टर तैयार है। तो फिर आप भी एंजॉय कीजिए इस ड्राई फ्रूट मिक्स को। थैंक यू।